हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है वेजिटेबल सूप बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए ये हमने एक छोटा प्याज लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। ये हरा लहसुन की मैंने 3 कलियां ली हैं, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़े से स्वीट कॉर्न और 4 से 5 मैंने फलियां ली हैं बीन्स वाली, इसको बारीक कट कर लिया है। 2 मशरूम लिए हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 1 गाजर ली है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। थोड़े से मैंने मटर लिए हैं और ये मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और 1 चम्मच मैंने अरारोट लिया है। तो आइए बनाते हैं वेजिटेबल सूप। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी और थोड़ा सा बटर मैं बचा लूंगी। बटर हमारा पिघलने लगा है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और साथ ही मैं ये हरा लहसुन भी डाल दूंगी इसके अंदर और इसे मैं भून लूंगी। ये सूप बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। प्याज हमारे भूनने लगे हैं, प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है। अब मैं प्याज के साथ ये मशरूम, फलियां, गाजर, मटर और ये सारे स्वीट कॉर्न डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। काला नमक 1 छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा डालूंगी और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये सूप मैंने 4 से 5 मेंबर के लिए बनाया है। अब मैं पानी को बॉईल होने दूंगी और इसे मैं बॉईल होने तक ढक दूंगी इसे। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आरारोट है ये, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसका घोल तैयार करूंगी जब तक हमारे सूप में उबाल आता है। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारे सूप में उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम मैं स्लो कर देती हूँ और अब मैं इसके अंदर ये अरारोट का घोल डाल दूंगी और सूप को मैं हिला दूंगी। ये हमारा अरारोट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, और ये हमारा सूप देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो कितने अच्छे से, मैं दूसरी कड़छी से हिलाती हूँ सूप को, देखो कितना बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है हमारा सूप। और ये मैंने 1 नींबू का रस लिया है, इस रस को मैं इसमें डाल दूंगी।
साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। ये हमारा वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।